यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विश्वजीत। हम चर्चा करेंगे हाल ही में भारत में मिली मेंढक की एक नई प्रजाति के बारे में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने मेघालय में मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की है। मेंढक की इस नई प्रजाति को दक्षिण गारो हिल्स जिले में स्थित सिजू गुफा प्रणाली के भीतर खोजा गया है। रूपात्मक, आणविक और स्थानीय डेटा के आधार पर मेंढक की इस आबादी को विज्ञान के लिए एक नया माना गया है। मेंढक की कैस्केड एमोलाप्स नामक प्रजाति से मिलती जुलती इस नई प्रजाति को सिजू गुफा प्रणाली के नाम पर एमोलाप्स सिजू नाम दिया गया है। यह दूसरी बार है जब देश में किसी गुफा के अंदर से मेंढक की नई प्रजाति की खोज की गई है। पहली बार 2014 में तमिलनाडु के एक गुफा से मेंढक की मिक्रिक्स लस स्पेलुंका नामक नई प्रजाति की खोज की गई थी। आपको बता दें कि सिजू गुफा प्राकृतिक चूना पत्थर की गुफा है। यहाँ पहली बार एमोलाप्स सिजू मेंढक को कोविड-19 लॉकडाउन से कुछ महीने पहले जनवरी 2020 में लगभग 60 से 100 मीटर की गहराई पर खोजा गया था। एमोलाप्स सिजू मेंढक की इस नई प्रजाति की खोज से संबंधित डेटा को ईरान स्थित लॉरेस्टन विश्वविद्यालय से प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका जर्नल ऑफ एनिमल डायवर्सिटी के नवीनतम अंक में प्रकाशित किया गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार वर्ष 1922 में सिजू गुफा का पहली बार जैव स्पेलोलॉजिकल अन्वेषण किया गया था। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो यह भारत का शीर्ष पशु वर्गीकरण संगठन है। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ZSI को राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 39 के अनुसार राष्ट्रीय प्राणी संग्रह के लिए नामित भंडार के रूप में घोषित किया गया है। ZSI का उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप में पशु वर्गीकरण के विभिन्न पहलुओं का सर्वेक्षण करना, अन्वेषण करना, अनुसंधान करना और प्रलेखन को बढ़ावा देना है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी।